हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व है, पर शादी में कन्यादान के वक्त तुलसी देकर एक अनूठा संदेश दिया गया हेल्पिंग एंड ग्रुप द्वारा। छावनी रामचंद्रपुरा स्थित आज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 21 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक की जीने की कस्में खाई और प्रेम सूत्र में बंधे। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर सभी जोड़ों को आशीर्वाद देकर उन्हें जिंदगी भर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। ये कार्यक्रम निःशुल्क 21 कन्याओं का निःशुल्क विवाह सम्मेलन हो रहा है, इसमें हमारा हेल्प एंड ग्रुप जो संस्था है उसकी तरफ से जन सहयोग से मिला के डस्टबिन दिए जा रहे हैं और 1 किलो फ्रूट दिए जा रहे हैं और 2000 रुपये का चांदी का नोट का जो है उसको वो भी दिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हम सभी संस्थाओं के सभी सदस्यों ने लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक तस्वीर है उसको भी चांदी के वर्क में वो भी संस्था की तरफ से जन सहयोग के माध्यम से जो इंदौर के हैं योगेश जी बल्ला उनके द्वारा गिफ्ट किया जा रहा है, सहयोग से वो भी दिया जा रहा है और सभी के जन सहयोग से मिलके ये संस्था का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो निःशुल्क विवाह जो सम्मेलन हो रहा है इसमें 21 कन्याओं का कन्यादान का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी जन सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं और सभी का बहुत बहुत हमको सहयोग मिल रहा है और आगे भी ये प्रयास हमारा रहेगा। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमने डस्टबिन भी हमारी तरफ से कन्या दिया जा रहा है। सर ये हेल्पिंग ग्रुप का जो हमारा मेन लक्ष्य है वो एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन हमारा लक्ष्य माना गया है हमने, और दूसरा स्वच्छ भारत को लेके हमने घर घर में ये संदेश पहुँचाने के लिए कि स्वच्छता अगर घर में स्वच्छ रहेगा इंसान तो स्वस्थ रहेगा इंसान, इसलिए कन्यादान में 21 डस्टबिन और स्वस्थ रहने के लिए 21 तुलसी के पौधों का द्वारा कन्यादान किया जाएगा, साथ में फल फ्रूट वगैरह है यहाँ पर और ये सब सहयोग जन सहयोग द्वारा हुआ है और हम आभारी हैं श्री हनुमान मंदिर समिति के महिषापुर हनुमान समिति ने जिन्होंने ये मौका प्रदान किया है और आशा करते हैं कि भविष्य में ये मौका प्रदान करेंगी और ये सब कार्य जन सहयोग द्वारा हो रहा है तो पूरी जनता जो कोटा हेल्पिंग ग्रुप को सपोर्ट करती है उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं धनंजय मेघवाल और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ये हमें आभार